Now let us start question number 3. In which direction will you face if you start from east and make half of a revolution? So, सबसे पहले समझ लेते हैं डायरेक्शन चार होते हैं वो किस तरीके से याद करे जाए वो मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ किस तरीके से मैं याद करता हूँ. अगर आपने नोटिस ना करा हो तो आपको बता दूँ जो आपको जो टीवी में दिखता है न्यूज़ न्यूज़ चैनल जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ही है नथिंग बट है. तो मैं इस तरीके से याद रखता हूँ दिस थिंग सांप की तरह. कैसे देखने एन ई डब्ल्यू एस इस तरीके से मैं याद करता हूँ. और जब भी आप देखें तो आप समझें कि आप इस तरफ फेस कर रहे हैं किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. क्वेश्चन कह रहा है यू आर फेसिंग ईस्ट दैट मीन्स आप इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ. एंड यू आर मेकिंग हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हम पहले वाले कुछ क्वेश्चन में कर चुके हैं बट फिर भी बता देता हूँ. ये हमारे पास क्लॉक है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है क्लॉक इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर रिवर्स में मूव करेंगे तो उसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज. मतलब इस क्वेश्चन में मतलब क्या है अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं अगर आप ऐसे मूव करते हैं तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज और इसका रिवर्स हो गया एंटी क्लॉकवाइज. ये इसका सिंपल मतलब है. अभी आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं इस डायरेक्शन में देख रहे हैं और हमें हाफ रेवोल्यूशन करनी है. क्या करना है हाफ ऑफ रेवोल्यूशन. अब हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए. एक रेवोल्यूशन का मतलब हो गया पूरा राउंड 360 डिग्री. रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री. ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई. हाफ तो हाफ ही होता है तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा 180. तो आंसर आ गया 180 डिग्री. तो बेसिकली हमें 180 डिग्री मूव करना है. अब 180 डिग्री हमें तो पता नहीं है कितना एंगल है. अब आपको अगर देखना हो तो ये जो हो गया फॉर्म होता है 90 डिग्री. तो हर एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री का है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री इस डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज करना है. और फिर दोबारा हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे 90 डिग्री. तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री. तो हमने स्टार्ट कर रहा था ईस्ट से हम कहाँ पे एंड हो जाएंगे वेस्ट पे. तो हमारा आंसर हो गया वेस्ट. नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है. क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन ईस्ट. तो अगेन वो क्या कर रहा है ईस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो हम ईस्ट को सर्कल कर लेते हैं. ओके स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट एंड मेकिंग वन एंड अ हाफ वन बाय टू. तो वन बाय टू ये मिक्स फ्रैक्शन है. इसको थोड़ा दो तरीके से समझेंगे. ठीक है मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा. पहले एक मिक्स फ्रैक्शन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं. वन एंड अ हाफ का मतलब होता है वन फुल एंड हाफ. इज इट क्लियर. बिकॉज वन एंड हाफ का मतलब होता है वन प्लस वन बाय टू. तो वन फुल एंड वन हाफ. वन फुल रेवोल्यूशन कि यहाँ से चलना स्टार्ट हो और ऐसे मूव करता हुआ दिस इज वन फुल रेवोल्यूशन. फिर उसने क्या बोला अब और चलो हाफ रेवोल्यूशन प्लस है ना प्लस हाफ. तो हम यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ पहुँच जाएंगे वेस्ट पे. तो इसका आंसर भी वेस्ट हो गया. तो इसी को करने का दूसरा मेथड है. अगर हम इसको जैसे फर्स्ट ए पार्ट करा था वैसे कर लें मैथमेटिकल वे में. यहाँ पर हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे. थ्री बाय टू. ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन. रेवोल्यूशन का मतलब हो गया 360 डिग्री. 180. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, 24, 2, तो 3 और ये आएगा 540 डिग्री.
एज वी नो 540 360 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसने ये पक्की बात है कि वन रेवोल्यूशन तो पूरा लिया है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये वन रेवोल्यूशन उसने ले लिया। ओके, वी नो ऑलरेडी वन रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री। ओके, तो वन रेवोल्यूशन हमने ले लिया, तो हम इसको माइनस कर देते हैं बिकॉज उसने वो ट्रैवल कर लिया, उसे 540 डिग्री ट्रैवल करना था, 360 कर चुके हैं। सबट्रैक करते हैं, ज़ीरो आया, यहाँ पे 14, तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 14, 8, 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। अब इसके बाद क्या करेगा वो, 90 और अगेन 90, तो टोटल कितना था, यहाँ पे 360 था, 360, 90, 90, तो आपका आंसर आ गया वेस्ट। तो आप दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, मैथमेटिकल वे भी मैंने आपको दिखा दिया और आपका विजुअल वे में भी, थ्री वन वन एंड हाफ का मतलब क्या है, तो दोनों तरीके से हम वेस्ट पे पहुंच रहे हैं। तो स्टेटमेंट ज़रूर लिख देना, सो ही विल बी फेसिंग एट द एंड टूवर्ड्स वेस्ट। सी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है बिकॉज इसके अंदर एक वर्ड है एक्स्ट्रा, एंटी क्लॉक वाइज। क्वेश्चन कह रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट, तो पहले हम वेस्ट को सर्कल कर लेते हैं, स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। एंड मेकिंग 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉक वाइज। ओके, दो तरीके से मैं करके दिखाऊंगा फिर दोबारा। तो 3/4 मतलब 3 out of 4, यहाँ देखें ये चार है, वो कह रहे हैं इसने चार में से तीन पार्ट चले, वॉक करे एंटी क्लॉक वाइज। अभी मैंने बताया था क्लॉक वाइज क्या होता है, यहाँ से ऐसे, इज इट क्लियर? एंटी क्लॉक वाइज क्या हो गया, ऐसे उल्टा, भूल जाओ तो क्लॉक्स याद रखना। ओके, 3/4 तो यहाँ से इधर चला, ये 1/4, यहाँ से यहाँ आ गया 2/4, और यहाँ से यहाँ गया। एरो ज़रूर दिखाना बिकॉज डायरेक्शन मैटर करती है, तो हम यहाँ से चले और यहाँ पहुँचे, तो हम कहाँ पे आंसर आ जाएगा, नॉर्थ में, तो आंसर हो गया नॉर्थ। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर देता हूँ, 3/4 ऑफ का मतलब अभी अभी हमने बताया था क्या था, मल्टीप्लिकेशन, रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री, इसको डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ईजी होता है, 180, फिर 2 से करते हैं, यहाँ पर आ गया 90। अब 90 into 3, 270, इज इट क्लियर, 270 डिग्री। अब एंटी क्लॉकवाइज भूलना मत, यहाँ से यहाँ, चलो दूसरे पेन से कर देते हैं, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, प्लस कर लो 90 90 90, कितना होता है 270 डिग्री, तो आंसर इसका भी क्या है, नॉर्थ। सो दोनों तरीके से आंसर नॉर्थ ही आएगा, आपको जो मेथड समझ में आया वो मेथड फॉलो करो। सो हमारा डी पार्ट है, वो कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ, साउथ को पहले हम सर्कल कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ एंड मेकिंग 1 full revolution, फुल रेवोल्यूशन मतलब पूरा सर्कल घूम के आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ जाए, तो आंसर क्या होगा इसका, साउथ। तो इसके अंदर क्वेश्चन ने आखिर में एक लाइन भी दी है, वो पूछ रहा है कि क्या इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बताने की ज़रूरत है, यू थिंक, और बताओ कि अगर हम क्लॉकवाइज जाएं, मतलब क्लॉक के साथ जाएं और एंटी क्लॉकवाइज जाएं, तो आंसर सेम आएगा ना, तो बताएं या ना बताएं फुल रेवोल्यूशन में आप वहीं पहुँचोगे। ओके, मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है, क्या हम हाफ रेवोल्यूशन में, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताना कंपलसरी होना चाहिए, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कि क्लॉक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताना चाहिए, या नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, डू एक्सप्लेन मी, आप सोचोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, और अभी तक अगर मैं वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ऐसी बहुत सारी और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।